Assalamu alaikum ji, fundamental of physics, Halliday, resnick walker ka 10th edition hai, chapter 42, nuclear physics, problem 56. Wo kehta hai ki electron emit hota hai middle class nuclei jiska mass number aapke 150 hai, kinetic energy 1 mega electron volt hai. Ab humse uski de Broglie wavelength mang raha hai, radius mang raha hai emitted nucleus ka aur keh raha hai kya aisa electron confine kar sakta hai box ki dimension mein. क्या वो कहते हैं नंबर से आप डिसअप्रूव करेंगे आर्गुमेंट के कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियाई के अंदर. अब सबसे पहले हम जानते हैं एम स्क्वायर जो होता है मास और आपके पास यानी एनर्जी में कन्वर्ट करें इलेक्ट्रॉन के मास को तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अब हम पीसीटी का प्रोडक्ट जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था के स्क्वायर प्लस 2 के एम स्क्वायर. अब एनर्जी हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एम सी स्क्वायर का प्रोडक्ट भी जानते हैं 1.4 टू 10 पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा. अब हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी होता है, सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एच सी बन जाएगा, पी सी बन जाएगा. पी सी की वैल्यू भी मालूम है, एच सी की वैल्यू भी मालूम है, तो 8.7 to 10 - 4 नैनोमीटर की वेवलेंथ आ जाएगी. अब अगर हम रेडियस निकालें जनाब न्यूक्लियस का तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 है, हमें मास नंबर दिया हुआ है, आर नॉट की वैल्यू स्टैंडर्ड 1.2 फेमटोमीटर होती है तो ये 6.4 फेमटोमीटर आ जाएगा. अब जो लैम्डा है अगर हम कहें कि वो आर से तो बहुत आप कह लें कि बड़ा है, यहाँ पे 8.7 - 10 - 4 है और ये फेमटोमीटर है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन तो कन्फाइन नहीं हो सकता न्यूक्लियाइड के अंदर. तो अगर हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लैम्डा बाई 2 नीडेड होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टैंडिंग वेव के लिए ताकि वो यानी इनफाइनाइट वेल के लिए, जैसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, तो एक फाइनाइट वेल में सपोर्ट करने के लिए उसे लेस देन लैम्डा 2 यानी लैम्डा बाई 2 से हाफ होना चाहिए. तो इस केस में तो ऐसा नहीं है, वो तो बहुत बड़ी आंसर आ रहा है. फिर वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि जिस पे हम कह सकते हैं कि पार्ट सी में कि इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं ठहर सकता, नहीं होता. तो ये हमारे पास सलूशन है. अगर आप इस पे कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.